नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपनी 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा के तहत शुक्रवार सुबह दिवंगत छात्र देवराज मोची के घर पहुंची। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि राज्य सरकार आपके साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि भी प्रदान की। वहीं जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि परिजनों को सरकार की तरफ से हर संभव राहत उपलब्ध कराई जावे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल ग्रासिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, उपमहापौर पारस सिंघवी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौर, समाज सेवी प्रमोद सागर, रविंद्र श्रीमाली, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, गजपाल सिंह, पूर्व पार्षद शिल्पा पामेचा आदि भी मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा दिया कुमारी। मैम, कल अभी उनकी माँ ने कहा कल कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को भी एक को जमानत मिली। किस तरह से इस केस की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी ताकि जो भी केस की मॉनिटरिंग क्लोजली की जाएगी और अनबायस्ड वे में की जाएगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुख्ता हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस के समय कन्हैयालाल जी वाला हुआ था, उस समय इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी तरह से हुई नहीं हुई ये भी एक पहलू है जिसको देखना जरूरी है। बाकी जो निर्णय है कोर्ट का वो तो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है और हाँ, वो तो हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ आगे जो भी कार्रवाई करनी है उस पर भी बिल्कुल की जाएगी और इनके लिए भी पूरी तरह से जो पुख्ता इन्वेस्टिगेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और पक्ष इनका जो रखना है वो भी मजबूती से कोर्ट में रखने का हम लोग प्रयास करेंगे।